देखिए लाडपुर के इस ऐतिहासिक कुश्ती दंगल में कुश्ती जगत की एक से एक हस्ती मौजूद है। यहाँ पर कोच साहिबान मौजूद हैं जिन्होंने कुश्ती को बढ़ावा दिया है, जिसके दम पर आज भारत देश का प्रत्येक नागरिक यह गर्व महसूस करता है कि भारत देश के पहलवानों ने न केवल इंटरनेशनल स्तर पर अपितु ओलंपिक में भी पदक जीते हैं। ऐसे ही एक कोच हमारे साथ मौजूद है, रणबीर ढाका जी, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो लाडपुर दंगल में पहुंचने पर आपका स्वागत है। आपका ज्यादा स्वागत है जी, आप हमारे पास आए हो और हमेशा ही आपका तो बहुत ही ज्यादा देखते हैं कुश्ती के लिए, तो समझो आप केवल कुश्ती के लिए बने हो। हमें बड़ी खुशी होती है आप हर कुश्ती की हर छोटी बड़ी खबर हमारे पास भेजते हो, लोगों के पास भेजते हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। लाडपुर का ये दंगल बड़ा ऐतिहासिक दंगल है, लाखों रुपए के इनाम है, दंगल के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया दंगल है, अच्छे पहलवान आ रहे हैं और सभी पुराने पहलवानों को भी बुलाने का प्रयत्न किया गया, ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे कई बड़े अजीज साथियों से मिलन हुआ आज और दंगल में के साथ साथ हमारा मिलन भी बहुत कई और बहुत अच्छी बात कि एक पुरानी रियायत है, परंपरा है, इसी से मिट्टी से ये जितने बड़े बड़े पहलवान निकले, जैसे ओलंपियन पहलवान हुए जिसमें मेडल आया, हमारे चार चार ओलंपिकों में मेडल दिया हमने लगातार, तो इस मिट्टी की देन है, इन दंगलों की देन है। यहाँ सभी लड़के गए हैं, ऐसी बात नहीं है, और आज परमपिता परमात्मा की दया से आज बहुत उसकी ऊंचाइयों पर है। पहले हम बाहर जाते थे, मैं भी इंटरनेशनल पहलवान रहा हूँ, पहले कहते थे टूरिस्ट इंडिया, लेकिन आज इंडिया लिखा देखता है तो पिंडलियाँ कांपती हैं लोगों की। ये सभी उस्ताद खलीफा और इन दंगलों की देन है, बताऊं मैं। सुशील पहलवान ने कितने दंगल लड़े हैं, योगेश्वर दत्त ने कितने लड़े हैं, बजरंग ने कितने लड़े हैं, तो उन सभी की इन्हीं मिट्टी से निकल के आज ओलंपिक तक पहुँचे, तो ये होने चाहिए, मेले ठेले तो होने चाहिए, अच्छी बात है। और आप, मैं खासकर पत्रकार बंधुओं का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, क्यों कल भी मेरे से एक बात हुई थी, एक थोड़ा सा थोड़ी सी शिकायत थी कि भाई हमारे बी और सी ग्रेड से हमारे पहलवानों को निकाल दिया गया, जो रिजर्वेशन मिलती थी हाँ वो ख़त्म कर दिया गया, उसका हमें बड़ा खेद है। अब क्या ये पहलवान सभी पानी पिलाने के लिए कर रहे हैं अपने काम? हमें बहुत खेद है, सरकार से करबद्ध प्रार्थना, हाथ बांध के प्रार्थना है कि ये ऐसे काले कानून ना लाएं जिससे हमारी कुश्ती पर परेशानी आए, मजबूरियाँ आए, इनको और ज़्यादा बढ़ावा दें, क्योंकि गरीब घरों के बच्चे हैं और ये एक बड़ा प्लेटफार्म है, यहाँ से बड़ी ऊंचाइयाँ छुई हैं। तो आपसे सभी से प्रार्थना, आपके माध्यम से भी प्रार्थना है कि खासकर जो बी और सी, हम तो चाहते ए में मिल रहे, लेकिन ये तो कम से कम ना कम हाँ, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, कौन अपने माँ बाप इस फील्ड में बच्चों को डालेगा? केवल उत्तर प्रदेश से हमारे बीच खेल मंत्री जैसे खेल के आदमी हैं और बिल्कुल बारीकी को जानते हैं, कम से कम उनसे तो उम्मीद कर सकते थे हम।